नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पहले आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। देखिए धीरंग कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई साले ग्राम गर्ग ने हमारे घर में हमारी मम्मी लोगों को मारा है। देख लिया इस वीडियो में बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग अपने भगवे गुंडों के साथ कुछ लोगों के घरों पर हमला बोला हुआ है। कुछ लोगों के घरों पर तोड़फोड़ कर रहा है और उस घर में मौजूद महिलाओं के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर रहा है। और जिन महिलाओं को यह पीट रहा है वो महिलाएं इस वीडियो में चीखती और चिल्लाती हुई भी सुनी जा सकती है। धीरंग कृष्ण शास्त्री दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग इस बार किसी दलित को नहीं पीट रहा और ना ही किसी पिछड़े को गाली दे रहा है पिछली बार की तरह। जैसा कि पिछली बार शालिग्राम गर्ग ने छत्तरपुर में शराब पीकर एक दलित समाज की बेटी की बारात में जाकर गाली गलौज कर रहा था और उन लोगों को बंदूक लहराते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है बल्कि शालिग्राम गर्ग यानी धीरेन्द्र किशोर शास्त्री का भाई अपने ही जाति के यानी एक जीतू तिवारी नाम के व्यक्ति के घर पर हमला बोला हुआ है और उसके घर में मौजूद महिलाओं पर और छोटी छोटी बच्चियों को लाठी डंडों से बेरहमी से पीट रहा है। अब इस पूरे मामले पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कह रहा है ये भी सुन लीजिए। एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील अपारा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, उनके सभी गुण अलग अलग होते हैं। हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के वर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। यही कहेंगे भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं, हम भाई के साथ नहीं है, हम कानून के साथ हैं। देख लिया मतलब बड़ी चालाकी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहा है कि शालिग्राम गर्ग यानी इसके भाई ने जो अपराध किया है वो ठीक नहीं है और शालिग्राम गर्ग के अपराध से इसका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल हर बार ये इसी तरह का बयान देकर बड़ी ही चालाकी से बच जाता है, जैसा कि पिछली बार भी ये इसी तरह का बयान देकर बच गया था जब शालिग्राम गर्ग यानी इसके भाई ने छत्तरपुर में शराब पीकर एक दलित बेटी की बारात में जाकर हुड़दंगी कर रहा था और बंदूक लहराते हुए दलित समाज के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा था, तब भी यह ऐसा ही बयान देकर बच गया था ये कहते हुए कि शालिग्राम गर्ग के अपराध से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ ही दिन बाद शालिग्राम गर्ग यानी अपने भाई के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ उड़ कर मौज मस्ती कर रहा था। देखो मैं बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग एक गजेड़ी नशेड़ी और शराबी है, लेकिन अगर आपको भी लग रहा होगा कि शालिग्राम गर्ग के अपराध से इसका कोई लेना देना नहीं है तो यह बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग जितना भी गुंडागर्दी करता है, जिसे भी मारता पीटता है, जिसको भी गाली गलौज देता है, वह इसी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छत्र छाया में करता है, इसी का सह मिला हुआ है उसे। वरना मुझे तो नहीं लगता कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगे शालिग्राम गर्ग यानी इसके भाई की भी कोई औकात होगी, लेकिन जब भी वो अपराध करता है, गुंडागर्दी करता है, बंदूक लहराते हुए लोगों को जान से मारने की धमकी देता है, तब पुलिस वाले FIR क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं उसे गिरफ्तार करते हैं? वह इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसके ऊपर इसी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छत्र छाया है और इसी का उसे सह मिला हुआ है। दोस्तों जिस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई छत्तरपुर में आतंक मचाया हुआ है, लोगों को लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लेकर जान से मारने की धमकियां दे रहा है, जिस प्रकार से वो अपराध कर रहा है, अब इस पूरे अपराध की सजा क्या होनी चाहिए? दोस्तों हमने पिछली बार देखा है कि किस प्रकार से सरकार अपराधियों को सजा दे रही थी। एक व्यक्ति के अपराध की सजा उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता था, उसके पूरे परिवार के द्वारा पाई पाई जोड़कर बनाए गए मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता था। तो क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि शालिग्राम गर्ग यानी इसके भाई के द्वारा किए गए अपराध की सजा पूरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार को भुगतना पड़े? अगर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पिछली बार सरकार लोगों के साथ न्याय कर रही थी, अपराधियों को सजा दे रही थी उनका मकान तोड़ तोड़ कर, ठीक उसी प्रकार शालिग्राम गर्ग, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उसके पूरे परिवार को जेल में डालना चाहिए और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा बनाए गए मठ मंदिर मकान को तोड़कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। बाकी आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।